कहाँ शिवाय। 11 फरवरी रविवार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। आज चावल खाना वर्जित है। आज चंद्रमा मूल नक्षत्र में ही रहेंगे जो कि गंड मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। आज के जन्मे जातक धनी, सुखी, बुद्धिमान, ईमानदार, क्षमावान और सलाहकार प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों को सम्मान देना और नीति नियम का पालन करना इनके नेचर में होता है। यह धार्मिक और थोड़े जिद्दी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे ही जातक पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा शनि के साथ आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मन में उदासीनता का भाव और काम करने के प्रति उत्साह में कमी आज दिन भर बनी रहेगी। सुख भाव में राहु के होने की वजह से पारिवारिक सुख शांति में कमी महसूस होगी। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। रचनात्मक कार्यों के प्रति पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। संतान पक्ष से चिंता का माहौल व माता के स्वास्थ्य की चिंता आज बनी रहेगी। हनुमान जी की आराधना करें, राहत मिलेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज खास तौर से स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी होगी। कफ संबंधित विकार और बाएं घुटने में दिक्कत की संभावना बनती है। कार्य ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। मित्र व संबंधियों से आर्थिक उन्नति में सहयोग बना हुआ है। राजकीय या शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। आकस्मिक यात्रा का योग बना हुआ है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज बनी रहेंगी। खास तौर से पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। उत्साह में कमी महसूस होगी। नैतिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए भी काम करने में मन नहीं लगेगा। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। अधिकारियों व शासन सत्ता से सहयोग बना हुआ है। विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित कामों में सफलता मिल सकती है। माँ दुर्गा की आराधना करें, अनुकूलता मिलेगी। कर्क राशि वाले जातक के राशि स्वामी चंद्रमा आज शनि के साथ छठवें घर में बैठे हुए हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत रखें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मन में नकारात्मक विचार आने के बावजूद भी आपकी सक्रियता आज बनी रहेगी। संतान के प्रति संतुष्टि मिलेगी। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। शाम तक मन में नकारात्मक विचार पैदा होने से आपके प्रयास में कमी आ सकती है। मामा पक्ष से तनाव भरा माहौल पैदा हो सकता है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, राहत मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा। सूर्य के कुंभ राशि में आते ही आधे से अधिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब तक धैर्य के साथ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में निवेश करते हुए आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आपके प्रयास सार्थक होंगे। विरोधी पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। ओम घृणे सूर्याय नमः का मानसिक जप करते रहें, राहत मिलेगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज काम में रुकावट की स्थिति बनी रहेगी। हर काम के प्रति उत्साह में कमी और मन में नकारात्मक भाव का पैदा होना संभावित है। मित्र बंधुओं से सहयोग की स्थिति बनी हुई है। शनि चंद्रमा के आपके चौथे भाव में होने की वजह से पारिवारिक सुख शांति में कमी व मन में नकारात्मक भावना का उठना संभावित है।
माँ और संतान के स्वास्थ्य के प्रति चिंता आज बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। किसी निवेश के लिए योग बना हुआ है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी सक्रियता पूरे दिन बनी रहेगी। आपके लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। आपके परिश्रम के अनुरूप प्रतिफल बढ़ा हुआ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मित्र संबंधियों से भी आर्थिक लाभ संभव है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता आज बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज फिर मानसिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभव है, क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों आपके वाणी भाव में बैठे हुए हैं, जो कि वाणी में कटुता का भाव पैदा करेंगे। इसलिए परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर महत्वपूर्ण निर्णय परिवारजनों के साथ शामिल होकर लें। आपके मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ संभव है। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा। सावधानी अपेक्षित है। आज चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने और शनि के साथ युति धनु राशि वालों के लिए मेहनत करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होगा। मेहनत करने की प्रवृत्ति पूरे दिन बढ़ी रहेगी। अपनी कार्य ऊर्जा व्यावसायिक उत्थान में लगाएं, लाभ मिलेगा। आपके ऊपर राजकीय या शासन सत्ता का सहयोग बना हुआ है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आँखों से या नसों से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करते रहें। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन तनावपूर्ण स्थिति, आर्थिक व्यय और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बन सकती है। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। आपके अधिकारियों का सहयोग पूरी तरीके से आर्थिक लाभ के लिए बना हुआ है। अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति नरम रुख अख्तियार करें। शनि देव की प्रसन्नता बनी रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके स्वास्थ्य पर खर्च की स्थिति भी आज बनी हुई है। आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी। बाएं कान या बाईं आंख से संबंधित दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। असुरक्षा की भावना मन में व्याप्त रहेगी। हालांकि व्यावसायिक उन्नति का दौर चल रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत है। विरोधी पक्ष परास्त रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। आपका उत्साह और आपकी सक्रियता आपके व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक लाभ को प्रभावित कर सकती है। मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को दूर रखें, आर्थिक लाभ मिलेगा। पत्नी से, परिवार से अनबन व संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें, राहत मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।